This is lecture number 6. In this lecture, we will prove some related result to outer measure. Theorem 3.2.3, according to your book, prove the outer measure of an interval is its length. यदि हम I एक interval ले लेते हैं, तो उसकी length के बराबर measure of interval होगी, ये prove करना. That is measure of I equal to length of I prove करना. तो सबसे पहले इसके थ्री केस होंगे. देर आर थ्री केसेस इन दिस प्रूफ. केस फर्स्ट, सपोज आई इज ए क्लोज फाइनाइट इंटरवल. फाइनाइट ना, क्लोज भी है फाइनाइट इंटरवल. हमने कहा कि वे क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी. अब इसका कवरिंग ढूंढते हैं उसी तरह से आउटर मेजर की डेफिनेशन लगाते हैं. सिंस फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो वी गेट ए क्लोज इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन वाई टू बी प्लस एप्सिलॉन वाई टू. दोनों तरफ की मेजर ले लेते हैं. मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस ओपन इंटरवल. और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या होगी, जो एंड ऑर्डिनेट बी प्लस एप्सिलॉन वाई टू माइनस ए माइनस एप्सिलॉन वाई टू. घटा देते हैं तो बी माइनस ए प्लस एप्सिलॉन आ गया इसमें. और सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्री है, तो मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू लेंथ ऑफ आई. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें इसका उल्टा प्रूफ करना है, यानी कि मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई के स्थान पर मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई अगर प्रूफ कर दें तो इक्वलिटी सिद्ध हो जाएगी. तो इक्वलिटी सिद्ध होने के लिए टू कंप्लीट द प्रूफ वी हैव टू प्रूव मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई. इसे प्रूफ करने के लिए नाउ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन आई एन ऑफ ओपन इंटरवल्स कवरिंग ए बी सच दैट. अब वो उसी तरह से हम जो है, जो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है, एक काउंटेबल कलेक्शन कवरिंग ले लेते हैं उसकी आई एन, और जो ए बी को कवर करता है. ए बी कंटेन इन यूनियन ऑफ आई एन. तो हम आउटर मेजर की सेकेंड डेफिनेशन लगाते हैं. सच दैट समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू मेजर आई प्लस एप्सिलॉन. अगर इसे ओपन करेंगे तो ये आउटर मेजर के डेफिनेशन को कन्वर्ट हो जाएगा. मेजर ऑफ आई इक्वल टू इनफिमम ऑफ समेसन ऑफ लेंथ आई एन, और मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू समेसन ऑफ लेंथ आई एन माइनस एप्सिलॉन. अब इसे जो हमने सेकेंड का नाम दिया, तो नाउ बाय द हाइन बोरल थ्योरम फॉर एनी कलेक्शन ऑफ. हाइन बोरल थ्योरम क्या है, इसमें क्या ये है, फॉर एनी ओपन कवर वी हैव ए फाइनाइट सब कवर. तो चूंकि हम ओपन कवर रखते हैं फॉर एनी कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स कवरिंग क्लोज इंटरवल ए बी कंटेन्स ए फाइनाइट सब कलेक्शन विच आल्सो कवर्स क्लोज इंटरवल ए बी, दस इट सफिक्स टू एस्टेब्लिश द इक्वलिटी टू फॉर फाइनाइट कलेक्शन. और फाइनाइट कलेक्शन आई एन विच कवर्स क्लोज इंटरवल ए बी, तो ए बी इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन. हाइन बोरल प्रॉपर्टी थ्योरम क्या है, फॉर एनी ओपन कवर देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवर और हम दैट कवर्स ए बी, तो ए बी एक फाइनाइट कवर में फॉर फाइनाइट कलेक्शन आई एन विच कवर्स ए बी, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी जे सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन विच इज फाइनाइट ऑफ ओपन इंटरवल्स. अब इस तरह का हम फाइनाइट कवर ढूंढते हैं, तो सिंस ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल देयर एग्जिस्ट. अब ये ए बी में है, ए बी किसका है, इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, तो किसी एक इंटरवल में होगा, ये सभी में तो होगा नहीं, ये पॉइंट ए. तो देयर मस्ट बी वन ऑफ द इंटरवल्स आई एन विच कंटेन्स ए, लेट इट बी ए वन ओपन इंटरवल ए वन बी वन सच दैट ए वन लेस देन ए लेस देन बी वन. इस तरह से एक ओपन इंटरवल होगा जो ए को कंटेन करता है. अब सिंस बी वन इफ बी वन लेस देन इक्वल टू बी, तो देन बी वन बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सिंस बी वन डज नॉट बिलोंग्स टू ए वन बी वन, तो देयर फॉर बिकॉज बी वन क्या है, ये ओपन इंटरवल में है, तो बी वन तो आउट है इससे, तो देयर बी वन डज नॉट बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल, तो देयर फॉर देयर बी मस्ट बी एन इंटरवल ए टू बी टू इन दी फाइनाइट कलेक्शन आई एन सच दैट बी वन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए टू बी टू.
तो ए टू लेस देन बी वन लेस देन बी टू। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ आयोटा रखें, ए आयोटा लेस देन ए आयोटा माइनस वन, बी आयोटा माइनस वन लेस देन बी आयोटा, तो कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर, इस तरह से हम ये इस तरह के दिस मैनर वी गेट इंटरवल्स ए वन बी वन ए टू बी टू एंड सो ऑन फ्रॉम द कलेक्शन आई एन, सच दैट ए आयोटा लेस देन बी आयोटा माइनस वन लेस देन बी आई, आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब वे हर बी नॉट इक्वल टू ए, वी पुट हेयर सिंस आई एन इज ए फाइनाइट कलेक्शन, देयर सम इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स ए के बी के, सच दैट बी बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए के बी के, दस वी हैव, इस प्रकार से जो आपका ये आपने इंटरवल जो सब कलेक्शन लिया है इंटरवल्स का ए वन बी वन ए टू बी टू, इस तरह से हम सब की यूनियन ले लेते हैं इक्वल टू वन टू के इंटरवल ए ओपन इंटरवल ए आयोटा बी आयोटा इज ए सबसेट ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन, पर जो फाइनाइट सब कलेक्शन है उसका यूनियन। दोनों तरफ की लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ लेने पर तो ये हो गया, ये क्या हो गया आई इक्वल टू वन टू के लेंथ ऑफ दिस ओपन इंटरवल लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, और ये लेंथ ऑफ आई हुआ, तो लेंथ आई इक्वल टू वन टू एन फाइनाइट समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन जो के है, इसे ओपन कर लिया बी के माइनस ए के प्लस बी के माइनस वन माइनस ए के माइनस वन प्लस बी वन माइनस ए वन, इस तरह से, और इसे रिप्लेस कर दिया इनफिनिटी ग्रेटर देन बी के माइनस ए वन, और बी को रिप्लेस किया बी से और ए वन को ए वन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, दस इस प्रकार आई इक्वल टू वन टू एन लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन बी माइनस ए, सिंस ए आई माइनस बी आई माइनस वन लेस देन जीरो, तो यहाँ पर बी के ग्रेटर देन बी एंड ए वन लेस देन ए, वी पुट आयोटा वन ए वन माइनस बी नोट, और बी नोट किसके बराबर ए के, तो ये ए वन लेस देन ए हो चुका। तो इस तरह से बी माइनस ए लेस देन फाइनाइट समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई लेस देन इनफाइनाइट समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई, ये प्रूफ हो गया, और इसे टू में रख देते हैं। जब टू में रखेंगे जो आप हम शुरू में लेके चले थे, ये टू इसमें रख देते हैं, तो ये आपका प्रूफ हो गया मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। नाउ वी कम टू केस सेकंड, सपोज आई इज एन ए फाइनाइट इंटरवल, पहले में क्या था क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल, इसमें फाइनाइट इंटरवल लिखते हैं, तो पहले केस की मदद से हम इसमें क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल कर्ड बाई आई, आई के अंदर एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, तो देन फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज ए क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल जे इज ए सबसेट ऑफ आई सच दैट लेंथ ऑफ जे ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन, ये कौन सी डेफिनेशन है आउटर मेजर की, तो लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन लेस देन लेंथ ऑफ जे, और जे इज ए सबसेट ऑफ किसका आई का, तो लेंथ ऑफ जे इक्वल टू मेजर ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ आई, और मेजर ऑफ आई किसके क्लोज इंटरवल फाइनाइट इंटरवल है, तो मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई फाइनाइट इंटरवल इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, तो लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन लेस देन मेजर ऑफ आई लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ आई, क्योंकि एप्सिलॉन आर्बिट्री देयरफॉर मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि जो अगर फाइनाइट इंटरवल भी ले लेते हैं तो उसकी जो मेजर होगी वे लेंथ उसकी लेंथ के बराबर होगी। अब केस थर्ड, सपोज आई इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, तो चूंकि इनफाइनाइट इंटरवल है तो इसके अंदर एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल ले लेते हैं उसी तरह, और उसकी लेंथ फाइनाइट है। सपोज आई इज ए इनफाइनाइट इंटरवल देन फॉर एनी रियल नंबर के ग्रेटर देन जीरो देयर इज ए क्लोज फाइनाइट इंटरवल सच दैट जे इज ए सबसेट ऑफ आई एंड लेंथ ऑफ जे इक्वल टू के, दस मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ जे, क्योंकि जे इज ए सबसेट ऑफ आई है, और मेजर ऑफ जे क्या लेंथ ऑफ जे, और लेंथ ऑफ जे क्या के, तो इसका मतलब मेजर ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया। फॉर एनी आर्बिट्री रियल नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ आई क्या है वो इनफाइनाइट है, और लेंथ क्या है इस इंटरवल की इनफाइनाइट इंटरवल की वो भी इनफाइनाइट है, तो मेजर ऑफ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ आई प्रूफ हो गया। नाउ वी विल प्रूव थ्योरम कोरोलरी 3.2.5, इससे पहले एक थ्योरम थी वे पिछले लेक्चर में हम प्रूफ करा चुके हैं काउंटेबल सब एडिटिविटी। नाउ
इन दिस कॉरोलरी वी विल प्रूव इफ इज अ काउंटेबल सेट देन मेजर ऑफ इक्वल टू जीरो. नाउ सपोज हम प्रूफ करते हैं कि इज काउंटेबल, जब काउंटेबल सेट है तो ये काउंटेबल सीक्वेंस रखेगा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन एंड सो ऑन. तो अब ये जितने भी काउंटेबल पॉइंट है ए वन ए टू ए थ्री, इनके आसपास हम ओपन इंटरवल बना लेते हैं तो एक ओपन कवरिंग मिलेगी. तो फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर देन एनक्लोजिंग ईच पॉइंट ए आई इन एन ओपन इंटरवल आई विद लेंथ ऑफ आई कितनी एप्सिलॉन अपॉन टू आई. ठीक है, और आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो देन इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ I iota I equal to 1 to infinity, यानी कि कवर ए को कवर मिल गया, ए इज कवर्ड बाई यूनियन ऑफ इंटरवल्स. तो दोनों तरफ के मेजर लेते हैं, मेजर ऑफ ई समेसन ऑफ लेंथ ऑफ I और लेंथ ऑफ I, लेंथ ऑफ I के क्या वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन टू आई रखेंगे. देन बाई ज्योमेट्रिक सीरीज ए अपॉन वन माइनस आर से ये एप्सिलॉन के बराबर होगा. तो मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, लेटिंग एप्सिलॉन टेंड टू जीरो. देन मेजर ऑफ ई लेस देन जीरो बट मेजर ग्रेटर होते मेजर ऑफ ही ग्रेटर देन, तो दिस इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्सम. देयर फॉर मेजर ऑफ ही इक्वल टू जीरो हैंस प्रूव. तो ई अगर कभी अगर ई काउंटेबल सेट है तो उसकी मेजर जीरो होती है. नाउ गो टू नेक्स्ट पेज. जो कोरोलरी अभी हमने प्रूफ की थी पिछले पेज पर कि इज काउंटेबल तो उसकी मेजर जीरो होगी, इसी तरह से जितने भी सेट हैं काउंटेबल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल एलजेब्रिक नंबर, दे आर काउंटेबल, देयरफॉर देयर आउटर मेजर इज जीरो. नाउ कोरोलरी 3.2.6 प्रूव दैट द सेट क्लोज इंटरवल इज अनकाउंटेबल. तो इसे प्रूफ करते हैं हम कंट्राडिक्शन से. सपोज हमने इसे काउंटेबल ले लिया, अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए काउंटेबल है. जब ये काउंटेबल है तो इसकी मेजर जीरो होनी चाहिए, तो मेजर ऑफ द क्लोज इंटरवल जीरो, तो लेंथ भी जीरो होनी चाहिए. तो मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल भी जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये तो वन है. तो विच इज़ एब्सर्ड या विच इज़ कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्सन, हैंस क्लोज इंटरवल इज अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल. नाउ नेक्स्ट कोरोलरी 3.2.7 एनी सेट विद आउटर मेजर डिफरेंट फ्रॉम जीरो. अगर कोई सेट ई है और उसकी मेजर जीरो नहीं है तो काउंटेबल होगा, ये प्रूफ करना. सपोज लेट ए ई बी ई बी एनी सेट विद मेजर नॉन जीरो मेजर, लेट इट पॉसिबल इट्स मेजर इज जीरो, तो इट मीन्स ई इज काउंटेबल, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन. देयर फॉर कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एज्यूम्सन है, हैंस ई इज अनकाउंटेबल. अब नोट मेजर ऑफ ई अगर जीरो है किसी सेट की तो कोई ज़रूरी नहीं है वो काउंटेबल ही होगा, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने इसे प्रूव भी किया है. तो मेजर ऑफ ई इक्वल टू जीरो नॉट नेसेसरी, या अगर जीरो है किसी काउंटेबल सेट की मेजर तो वह काउंटेबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं अनकाउंटेबल भी हो सकता है. जैसे कैंटर सेट का एग्जांपल, एग्जांपल 3.2.8 द कैंटर सेट सीज अनकाउंटेबल विद आउटर मेजर जीरो, इसकी मेजर अनकाउंटेबल सेट है. यही एक ऐसा सेट है जिसकी मेजर जीरो होती है, विच इज़ अनकाउंटेबल. अब इसके बारे में कैंटर सेट के बारे में हम पहले चैप्टर के लेक्चर में बता ही चुके हैं. तो हम जानते हैं कहाँ से प्राप्त होता है कैंटर सेट. कैंटर सेट सी इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट सी एन, और इसे सी छोटा सेट है तो सी इज ए सबसेट ऑफ सी एन, इम्प्लाइज दैट सी इज ए सबसेट ऑफ सी एन फॉर ऑल एन. और मेजर ऑफ सी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ सी एन, दोनों तरफ की मेजर ले लेते हैं फॉर ऑल एन. अब जो चूंकि कितने सी एन कितने क्लोज इंटरवल लगता है, सिंस सी एन कॉन्सिस्ट ऑफ टू की पावर एन क्लोज इंटरवल्स, और प्रत्येक क्लोज इंटरवल की लेंथ क्यों होती है क्योंकि टर्नरी में लिया जाता है, तो ये क्या हो गया वन अपॉन थ्री की पावर एन प्रत्येक क्लोज इंटरवल की. तो क्योंकि सी एन इंटरवल है तो मेजर ऑफ सी एन कितनी होगी टू की पावर एन गुना वन अपॉन थ्री की पावर एन. ठीक है, तो मेजर ऑफ सी एन लेस देन इक्वल टू कितना टू की पावर एन इंटू थ्री की पावर माइनस थ्री एन, तो ये ऐसे भी लिख सकते टू अपॉन थ्री की पावर एन. तो मेजर ऑफ सी उसी तरह से रख लेते हैं, तो मेजर ऑफ सी लेस देन अपॉन टू की पावर एन एन फॉर ऑल एन. अब चूंकि लेटिंग एन टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं क्योंकि
टू अपॉन, यहाँ सॉरी यहाँ टू की पावर अपॉन थ्री है, मेजर ऑफ सी लेस देन इक्वल टू टू अपॉन थ्री से करेक्शन कर लेना, टू नॉट टू की पावर, ओ सॉरी लेस देन इक्वल टू इन ब्रैकेट टू अपॉन थ्री की पावर एन है ना, ये इसमें करेक्शन कर लेना आप। तो लेटिंग एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो मेजर ऑफ सी क्योंकि टू अपॉन थ्री है तो थ्री ज़्यादा है, ठीक है, तो टू अपॉन थ्री, इसीलिए अगर एन टेंड टू इन्फिनिटी करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो को प्राप्त हो जाएगा। तो एज एन टेंड टू इन्फिनिटी दस वी गेट मेजर ऑफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो, बट मेजर ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्योंकि मेजर पॉजिटिव होती है, तो मेजर ऑफ सी इक्वल टू जीरो, तो इससे प्रूफ हो जाता है जो कैंटर सेट है अनकाउंटेबल सेट है उसकी मेजर जीरो है। इसमें करेक्शन कर लेना, जहाँ पर टू अपॉन एन है टू अपॉन थ्री की पावर एन है ये वाला, इसमें इसमें मिस्टेक हो चुकी है, टू अपॉन थ्री की पावर एन है। अब प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम है इफ मेजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो है देन मेजर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मेजर ऑफ बी, इन पर्टिकुलर इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए देन मेजर ऑफ बी इक्वल टू जीरो, इट इज सिंपल टू सॉल्व इट। यहाँ देखिए ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, अगर ए यूनियन बी इक्वल टू, अगर मेजर ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो मेजर ऑफ ए यूनियन बी लेंगे तो लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी, चूँकि अगर हम एन ए यूनियन बी लेते हैं तो एन ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो इसे ये लेस देन हो जाएगा, मेजर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी इक्वल टू मेजर ऑफ बी, क्योंकि मेजर ऑफ ए क्या जीरो दे रखा, तो ये प्रूफ हो गया एक तरफ से। तो मेजर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ बी, नाउ अब बी जे सबसेट ऑफ ए यूनियन, इधर से ये प्रूफ हो गया, तो दोनों इक्वलिटी प्रूफ होगी। और इसी तरह से सिंस बी इज ए सबसेट ऑफ ए दोनों तरफ मेजर लेने पर, तो मेजर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसी तरह से मेजर ऑफ बी ये भी प्रूफ हो गया। नाउ कंटिन्यू टू पेज 30, इसमें डेफिनेशन डिफाइन 3.2.10 टी सिग्मा सेट की डेफिनेशन, ए सेट विच इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी, तो ए सेट विच इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज कॉल्ड टी सिग्मा सेट। एग्जाम्पल है क्लोज सेट भी हो सकता है, काउंटेबल सेट भी इसका एग्जाम्पल है, काउंटेबल यूनियन ऑफ टी सिग्मा सेट्स भी इसका एग्जाम्पल है, एक ओपन इंटरवल भी सेट है क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट है इसके इक्वल, तो ओपन इंटरवल ये यूनियन दिखा रखी है तो ये क्लोज सेट है। तो काउंट क्या डेफिनेशन है, ए सेट विच इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज कॉल्ड द टी सिग्मा सेट, तो ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ओपन इंटरवल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टी सिग्मा सेट। अब नेक्स्ट 3.2.12 डेफिनेशन जी डेल्टा सेट, तो इसमें जो है ओपन इंटरवल से ले लेते हैं, ए सेट विच इज क्योंकि उसमें काउंटेबल यूनियन है, इसमें काउंटेबल इंटरसेक्शन होगा, ए सेट विच इज ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज कॉल्ड जी डेल्टा सेट। इसका एग्जांपल ओपन सेट है, ओपन इंटरवल है, क्लोज सेट भी है, क्योंकि क्लोज सेट किस लिए, नेक्स्ट लास्ट वाले में बताया गया एक क्लोज सेट ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ जी डेल्टा सेट्स भी इसका एक एग्जाम्पल है। क्लोज सेट इसीलिए है चूँकि इट इज़ ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल है बाई डेफिनेशन, देयरफॉर क्लोज इंटरवल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ जी डेल्टा सेट। अब ये थ्योरम है 3.2.14, लेट ई बी एनी सेट देन दो पार्ट हैं इसके और भी, पहले पार्ट में क्या प्रूफ किया गया, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर इज एन ओपन सेट ओ कंटेंस ई इज ए सबसेट ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये सेट मॉडिफाइड ही डेफिनेशन है आउटर मेजर की, तो मेजर ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन प्रूफ करना, यदि इज ए सबसेट ऑफ या इज कवर्ड बाई द ओपन सेट व्हाइल द इक्वलिटी इज स्टिक इन केस मेजर ऑफ ई लेस देन इन्फिनिटी, स्टिक हो जाती है इक्वलिटी यदि मेजर ऑफ ही फाइनाइट है, हैंस इस प्रकार से मेजर ऑफ ही इक्वल टू इन्फिमम ऑफ मेजर ऑफ ओ, ये डेफिनेशन आउटर मेजर की डिफाइन होगी इस थ्योरम फर्स्ट से, थ्योरम 3.2.14 के फर्स्ट पार्ट से, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो उसी तरह से अज्यूम दैट फर्स्ट मेजर ऑफ ही इज फाइनाइट, तो देर इज ए काउंटेबल कलेक्शन, डेफिनेशन लगा लो
कलेक्शन आई एन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट इज ए सबसेट ऑफ यूनियन आई एन. अब बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर दिस समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन. अब चूंकि ओ जो ओपन सेट है मीट्रिक स्पेस में क्या होता है, इट इज ए यूनियन ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स दैट आर डिसजॉइंट्स. तो ओ इज एन ओपन सेट, देयरफॉर मेजर ऑफ ओ इक्वल टू मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, और मेजर ऑफ यूनियन ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू समेसन ऑफ आई एन. और ये डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है. तो यहाँ पर यही प्रूफ करना था हमें, आर्बिट्रेरी मेजर ऑफ ओ लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर यू कैन राइट इट मेजर ऑफ ई इक्वल टू इनफिमम ऑफ मेजर ऑफ ए. अब बी पार्ट इसका, अगर ई बी एनी सेट है तो देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट जी कंटेंस ई, यानी कि ई इज ए सबसेट ऑफ जी, उसमें क्या था ई इज ए सबसेट ऑफ ओ. तो ओ यहाँ अप्लाई होगी डेफिनेशन जी डेल्टा सेट की, तो ई इज ए सबसेट ऑफ जी सच दैट मेजर ऑफ इक्वल टू मेजर ऑफ जी. अब पहले वाले की मदद ले लेते हैं हम, तो एप्सिलॉन की जगह वन अपॉन एन लगा देते हैं. जब वो एप्सिलॉन के स्थान पे इस डेफिनेशन में क्या लगाएंगे, यहाँ पर वन अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू वन अपॉन एन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या लेंगे ओ के स्थान पे ओ एन ले लेंगे. तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को रखिए, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ एन कंटेंस ही सच दैट मेजर ऑफ ओ एन लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वन अपॉन एन. अब चूंकि डिफाइन जी क्या है, इज इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि जी डेल्टा सेट है, तो जी डेल्टा के सेट की डेफिनेशन क्या है, इंटरसेक्शन काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट. तो जी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, तो जी इज जी डेल्टा सेट एंड जी कंटेंस ई, ये दिया हुआ है. तो जब ये है तो मेजर ऑफ ई क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ जी, और मेजर ऑफ जी किसके बराबर है, मेजर ऑफ जी, क्योंकि जी इज कंटेंड इन ओ एन, तो इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ एन. और बाय डेफिनेशन मेजर ऑफ ओ एन क्या है, लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वन अपॉन एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, लेटिंग एन टेंड टू इन्फिनिटी, इस प्रकार अगर एन टेंड टू इन्फिनिटी कह करेंगे तो मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू किसके हो गया, मेजर ऑफ जी लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई प्लस वन अपॉन एन, देयरफॉर मेजर ऑफ जी इक्वल टू मेजर ऑफ ई, हैंस प्रूव्ड. थैंक यू.